चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चैप्टर 6 का टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कॉपी होना। बेटे दो प्रोसेसेस होते हैं, एक को कहते हैं हम ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शंस या ऑटो कैटालाइटिक प्रोसेसेस, और एक को कहते हैं हेटीरो कैटालाइटिक प्रोसेसेस या हेटीरो कैटालाइटिक रिएक्शंस। जो ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस, डीएनए का डीएनए को बनाना, ये ऑटो कैटालाइटिक कहलाता है। और जो हेटीरो कैटालाइटिक रिएक्शंस होते हैं उसका मायना, उसके मायने होते हैं डीएनए से आरएनए का बनना। अब वो आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से सिंथेसाइज होता है। जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप आने वाली क्लासेस के अंदर ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, कि डीएनए से कैसे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, फिर मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है राइबोसोम को जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, ये हेटीरो कैटालाइटिक रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ऑटो कैटालाइसिस है, मतलब डीएनए ही डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी डीएनए के पास है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें मालूम है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। तो एक डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, उनका जो भी सीक्वेंस है, फर्ज करो एडीनाइन थायामीन थायामीन गुआनाइन साइटोसाइन एडीनाइन थायामीन, ये नाइट्रोजीनस बेसिस हैं जो अटैच हुई हुई हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। कॉम्प्लीमेंट के मायने हैं कि हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर रूल जो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि एडीनाइन हमेशा थायामीन के साथ अटैच होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसाइन के साथ अटैच होता है। तो अगर एक डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एडीनाइन है तो दूसरे पे क्या होगा, थायामीन। दूसरे पे थायामीन है, अगर एक पे थायामीन है तो दूसरे पे क्या होगा, एडीनाइन। अगर एक पे गुआनिन है तो दूसरे पे क्या चीज अटैच होगी, साइटोसाइन। या एक पे साइटोसाइन है तो दूसरे पे क्या होगा, गुआनिन। इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट करता है हमेशा, उसके अल्टरनेट बेसिस होती हैं दूसरे स्ट्रैंड पे हमेशा। एंजाइम्स जो हमें चाहिए होते हैं डीएनए को बनाने के लिए वो कौन कौन से हैं, वो तकरीबन 9 एंजाइम्स हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको इमेज में नजर भी आ रहे होंगे। इसमें जो एंजाइम नीडेड है टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करता है, आप यूं कह लें अनवाइंड करता है या ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में होते हैं, उन दो बॉन्ड्स को, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो डीएनए के स्ट्रैंड्स के दरमियान में है, ताकि वो अनवाइंड हो जाए, खुल जाए। इसको खोलने के लिए एक एंजाइम है, इसका नाम है हेलिकेज। ये पहला एंजाइम चाहिए आपको अगर आपको डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, यानी कि डीएनए से एक और डीएनए बनाना है। तो दूसरा एंजाइम है, इसका नाम है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज वो एंजाइम है जो रिमूव करता है टेंशन को, डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान में जो होती है उस टेंशन को रिमूव करता है टोपो आइसोमेरेज, ताकि वो दोबारा से वाइंड ना हो जाए। देखो इस टेंशन से मुराद क्या, बिलफर्ज एक रस्सी है, वो दूसरी रस्सी के ऊपर बल खाई हुई, अक्सर आप देखते हैं ना रस्सियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर मुड़ी हुई होती हैं, लिपटी हुई होती हैं। तो जैसे ही आप उनको खोलते हैं और पकड़ के रखते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं रस्सी को, तो दोबारा से बल खा जाती है रस्सी। इसका मतलब है रस्सियों के दरमियान में, दोनों रस्सियों के दरमियान में टेंशन होती है जिससे वो दोबारा एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती हैं। तो ये दोबारा से एक दूसरे के ऊपर लिपटे ना, इसलिए इस टेंशन को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमेरेज। तो सबसे पहले आया हेलिकेज जिसने अनवाइंड किया, खोला, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा। दूसरा एंजाइम आया टोपो आइसोमेरेज जिसने टेंशन को खत्म किया ताकि दोबारा से ना लिपट जाए।
इसके अलावा तीसरा एंजाइम है, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये वो एंजाइम होता है जो स्टेबलाइज करता है स्ट्रैंड्स को कि अपनी जगह पे रुके रहे। इसका मतलब है कि ऊपर से होल्ड कर लेता है दोनों एंजाइम्स को ताकि एंजाइम अपनी जगह स्टैंड करें, रुके रहें, स्टेबलाइजेशन इसका काम है। चौथा एंजाइम है, इसका नाम है लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। हम पढ़ेंगे डीएनए की जो सिंथेसिस होती है उसमें एक प्राइमर आके लगता है, तो प्राइमर को रिमूव करके या टुकड़ों में बनते हैं अक्सर डीएनए के स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स टुकड़ों में आके अटैच होते हैं। तो ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये टुकड़ों में जो आके अटैच हो रहे हैं, इनको अटैच कराना मुख्तलिफ टुकड़ों को डीएनए के सेगमेंट्स के, ये काम है एक एंजाइम का जिसका नाम है लाइगेज। पांचवा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज वन। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? प्राइमर को रिमूव करता है और फिल करता है किसी भी किस्म के गैप को। प्राइमर क्या होता है, यहीं पे अगर मैं रुक के बताऊं तो बेटे, प्राइमर इज अ पार्ट ऑफ आरएनए सेगमेंट, आप यूं कह लें फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए टू सिंथेसाइज डीएनए इज कॉल्ड प्राइमर। प्राइमर एक और चीज होती है ना, अक्सर जो लोग मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाते हैं ताकि जो भी मेकअप हो वो चेहरे पे रुका रहे। तो प्राइमर का काम सेम इसी तरह से यहां पर भी है डीएनए की सिंथेसिस में, कि जो प्राइमर्स होते हैं वो आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ताकि उनके ऊपर फिर डीएनए के सेगमेंट्स आके अटैच होते रहे। तो इस प्राइमर को हटाने के लिए जो एंजाइम आता है वो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज वन है। इसका काम है प्राइमर को रिमूव करना। प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमर को बनाना। प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमर को सिंथेसाइज करना। और मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमर आर आरएनए फ्रेगमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए या फॉर द अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज डीएनए। फिर एक और एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज थ्री। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है, इसका काम क्या है? कैटालाइसिस करना। ये कैटालाइज करता है रिएक्शन को। प्रूफ रीडिंग करना, यानी कि जो भी डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो सही भी हो रहा है, उसमें कोई ऐसा पार्ट तो आके या ऐसा न्यूक्लियोटाइड तो आके शामिल नहीं हो गया जिसको नहीं शामिल होना चाहिए था। इसके अलावा रेप्लिकेशन कराना, यानी कि डीएनए को सिंथेसाइज करना। मेन डीएनए की सिंथेसिस जो है वो कौन कराता है? डीएनए पॉलीमरेज थ्री कराता है। इसके पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास है नहीं, वैसे तो हमारे पास ये नाम भी नहीं है सारे, ये भी एडिशनल बात है। जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है इसके सेगमेंट्स होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका अल्फा यूनिट, एक होता है इसका बीटा यूनिट, एक होता है ऑप्सिलॉन यूनिट। तो इसके यूनिट्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज थ्री के। इसके अलावा एक और एंजाइम है, उसका नाम है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है डीएनए की सिंथेसिस में। फॉस्फोराइलेज जो है ये एक्टिवेशन कराता है, एक्टिवेट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, ये आपको नीचे नाम लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। एएमपी मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। थायामीन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनीन मोनोफॉस्फेट, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो इनके नाम मैंने लिए अभी, ये सब इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सब एक्टिवेट कब होते हैं? जब फॉस्फोराइलेज आता है वो इनको एक्टिवेट कराता है। और इनकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो कौन सी है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थायामीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनीन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जब ये मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इनके साथ दो फॉस्फेट आके अटैच हो जाते हैं, तो दे विल बिकम एक्टिव। ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कराता है। और जब न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये बनाते हैं डीएनए के सेगमेंट्स को, यानी कि डीएनए को बनाते हैं। लास्ट एंजाइम है, इसका नाम है न्यूक्लिएज। इसका काम है प्रूफ रीडिंग करना। इसका भी काम है प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग के मायने मैंने अभी बताए थे आपको डीएनए पॉलीमरेज थ्री में, कि जो भी डीएनए के सेगमेंट्स बन रहे हैं, यानी कि जो भी डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो सही हो भी रहा है या नहीं, कहीं उसमें गलती तो नहीं है। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं टू सिंथेसाइज अ डीएनए फ्रेगमेंट। फिर अगर अब हम बात करें डीएनए के रेप्लिकेशन के ऊपर, कि ये रेप्लिकेट कैसे करता है डीएनए, तो उसके स्टेप्स हैं पांच। पहला स्टेप ये है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। मैंने और अभी बताया था आपको कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैज बीन डन बाय एंजाइम विच इज कॉल्ड
फॉस्फोराइलेजेस, फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट कराता है न्यूक्लियोटाइड्स को. तो न्यूक्लियोटाइड इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एएमपी, सीएमपी, जीएमपी, टीएमपी, ये इनएक्टिव फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये सब एक्टिवेट होते हैं. दूसरा स्टेप, रिकॉग्निशन ऑफ ओआरआई साइट, रिकॉग्नाइज करना ओआरआई साइट को. ये ओआरआई साइट क्या होती है? ओआरआई साइट वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, कि कहां से रेप्लिकेट करना शुरू करना है, यानी कि कहां से डीएनए की कॉपी बनाना शुरू करना है. इसको समझना, इसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना. तीसरा स्टेप, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, यानी कि दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर जो लिपटे हुए, इनकी इनकी जो रेप, इनका जो वाइंडिंग है उसको अनवाइंड करना. ये काम कौन करता है? हेलिकेस. फिर चौथा, टोपो आइसोमेरेज और सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन आते हैं. टोपो आइसोमेरेज टेंशन को रिमूव करता है और सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो है वो होल्ड करते हैं डीएनए को, ताकि मूवमेंट कम हो, एक जगह पे रुक जाए डीएनए के स्ट्रैंड. डीएनए के स्ट्रैंड्स अगर देखो तो यूकैरियोट्स में फॉर्क लाइक होते हैं, इस तरह के होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इस तरह ओवल शेप होते हैं. तो एक स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर 3-5 होता है, दूसरा स्ट्रैंड जो है उसका जो एक एंड है वो 5-3 होता है, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है. ये 3-5 क्या होते हैं? ये कार्बन एटम्स हैं. फिर नेक्स्ट चीज जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर है, और मैंने अभी आपको बताया था प्राइमर के मायने होते हैं आरएनए के फ्रेगमेंट, आरएनए का सेगमेंट जो होता है उसको कहते हैं प्राइमर. प्राइमर आरएनए का सेगमेंट होता है, उसके भी दो एंड होते हैं. आरएनए का, आरएनए जो होता है उसके भी दो एंड होते हैं. एक एंड जो होता है उसको कहते हैं हम 3-, दूसरा एंड जो होता है उसको हम कहते हैं 5-. दो एंड्स होते हैं प्राइमर्स के. थ्री एंड जो होता है, चाहे वो डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, उस पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप. और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होते हैं. ये याद रखने की बात है, जब कभी भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा तो वो हमेशा 3-end, यानी कि हाइड्रोक्सिल के साथ आके अटैच होता है. और जो 5-end होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, वहां पे फॉस्फेट लगा हुआ होता है. तो 5-end पे कभी भी कोई न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच नहीं होता. अच्छा बेटे, इसके बाद अब जो है अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जिसपे मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो फॉर्क जैसा खुल गया, मतलब थोड़ा बहुत ओपन हुआ. डीएनए का जो ये स्ट्रैंड है 3-, इसके ऊपर आके लगा एक प्राइमर, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड था जो 5-, से शुरू हो रहा था और 3-, पे खत्म हो रहा था, इसके यहाँ पे फर्ज करो 3-, था जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूं, यहाँ पे भी आके लगा एक प्राइमर. तो दो प्राइमर लगे, एक इस स्ट्रैंड के साथ और एक इस स्ट्रैंड के साथ. 3-, के हमेशा अपोजिट कौन सा होगा? 5-, तो आरएनए का प्राइमर का भी 5-, इसके अपोजिट है. और जो 5-, एंड के अपोजिट एंड होता है वो हमेशा कौन सा होता है? 3-, एंड होता है. तो सेम बात यहां पर भी है, ये 5-, है ये 3-, है, क्योंकि ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड था ये 3-, था. तो प्राइमर जो आके लगा उसका 5-, यहां लगा और 3-, इसके अपोजिट है. मैंने अभी आपसे कहा था कि 3-, एंड पे क्या लगते हैं? न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड अटैच होना शुरू हो गए. ये जो डीएनए का स्ट्रैंड था इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड अटैच थे उसके पैरेलल यहाँ पे आके लगना शुरू हुए. सेम यहाँ पे भी आके लगे और यहाँ पे भी आके लगे न्यूक्लियोटाइड्स. फर्स्ट करो, यहाँ एडीनाइन था तो यहाँ क्या लगा? थायामीन. यहाँ थायामीन था तो यहाँ क्या लगा? एडीनाइन. यहाँ गुआनीन था तो यहाँ क्या लगा? साइटोसाइन. इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होना शुरू हो गए और यहाँ पे भी आके अटैच होना शुरू हो गए. जितना एंड ओपन हुआ हुआ था वहां वहां प्राइमर लगे और न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं. इसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप में अगर देखो तो ये थोड़ा बहुत और ज्यादा ओपन हो गया. ये अब और ओपन हुआ. जब और ओपन हुआ तो ये वाला जो एंड है 3-5, इसके 3-, एंड पे लगते चले गए और आके लग गए. जितना ओपन हुआ उतने और न्यूक्लियोटाइड्स लग गए. लेकिन यहां पर जब ये इस एंड पे पहुंच गया तो यहां पर और नहीं लग सकते, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूएशन नहीं है ना. यहां पे और डीएनए का स्ट्रैंड दूसरा नहीं कंटिन्यू हो रहा, तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स लगना खत्म हो गए. ये वाला एंड खुला था, यहां पे एक और प्राइमर आके लगा, उसने कॉपी किया इतना.
फिर तीसरे स्टेप में देखो, फाइनल स्टेप में जब ये पूरे के पूरे दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, खुल गए, तो ये और न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे अटैच हो गए इस स्ट्रैंड पे। लेकिन यहाँ पे एक और प्राइमर आके लगा और न्यूक्लियोटाइड कॉपी हुए। तो अगर तुम देखो तो जो ये वाला स्ट्रैंड है इस पे कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है इस पे बार बार प्राइमर आके लग रहा है और फिर न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी हो रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये तो कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है, इस पे कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, लेकिन इस पे कंटिन्यू अटैच नहीं हो रहे, बार बार मल्टीपल प्राइमर्स लग रहे हैं उनके साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं। तो ये जो एक हिस्सा है एक प्राइमर और कुछ न्यूक्लियोटाइड का, फिर एक प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड, फिर एक प्राइमर और कुछ न्यूक्लियोटाइड, इस एक फ्रेगमेंट को कहते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या कहलाते हैं? अ सेगमेंट ऑफ प्राइमर अलोंग विद फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो स्ट्रैंड बना ये टुकड़ों में बना, तो जब टुकड़ों में बनता है तो हम उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड कंटिन्यू बन रहा है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। ये कहलाता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड। जब ये सारे बन जाते हैं तो बनने के बाद इनपे से प्राइमर्स को हटाया जाता है। जो मैंने आपको फंक्शंस में बताया था एंजाइम्स के, ये एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 1, वो यहां से इस प्राइमर को काटता है, यहां पे इस प्राइमर को, इन प्राइमर्स को काट देता है डीएनए पॉलीमरेज 1। और फिर ये जब कट जाता है तो ये तो पूरा स्ट्रैंड बन गया, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में बने हुए स्ट्रैंड, तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा। वो कौन जोड़ेगा? लाइगेज। और आखिर में इनकी प्रूफ रीडिंग करेंगे। प्रूफ रीडिंग कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 या न्यूक्लियस। और जब ये दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट बन गए तो यहां से अलग हो गए, और ये वाले स्ट्रैंड दोबारा से कॉइल हो गए, और ये जो दो स्ट्रैंड्स बने ये अलग कॉइल हो गए, यानी कि डीएनए की कॉपी बन गई। इसके अलावा एक और बात, लास्ट बात इसमें, कि जो नए न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं अगर तुम देखो तो उनका सीक्वेंस कैसा है, ये याद रखने की बात है। जो नए न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं उनका सीक्वेंस क्या है? 5-3-। देखो यहां पे कौन सा था? 5। ये भी कौन सा था? 5। ये कौन सा था? 5। ये कौन सा था? 5। ये वाला एंड कौन सा है? 3-। और 3- एंड पे हमेशा क्या लग रहा है? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इनकी सिंथेसिस कैसी हो रही है? हमेशा 5-3। यहाँ पे देखो 5-3, ये देखो 5-3, ये देखो 5-3। तो हमेशा जो भी नए न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? 5-3 एंड पे हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये बात याद रखना बेटे। यहां तक की बात थी सारी डीएनए की सिंथेसिस को लेकर।